अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आज हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। जो मुद्दा ये है कि भाई जो GPT की जो मेन वेबसाइट है वो हो चुकी है हैक्ड। 1 घंटे 38 मिनट, 1 घंटे ही मैंने काफ़ी देर का पेज खुला हुआ है, हैक्ड हो चुकी है। ठीक है, ये खुद ही देख लो तुम लोग, हैक्ड हो चुका है या नहीं हुआ। सिंपल एज इट इज़ हम चलते हैं। पॉसिबिलिटीज़ 3 तरीके की हो सकती है। पहली भाई, मुमकिन है हैक हो सके, हो सकता है कि भाई हैक्ड हो। दूसरा मुमकिन ये है कि जब एक वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो वो वेबसाइट खुलती ही नहीं है। मतलब एक बंदा किस किस जगह को मुंह देगा, वो वेबसाइट किस किस सर्वर पे जाएगी, कहाँ कहाँ से, जो भी इनका सिस्टम होता है ये मैं तो खैर नहीं पता, मैं तो जहला आदमी उन चीज़ों में बिल्कुल ही। तो हो सकता है कि ये जो वेबसाइट हो चुकी है, ये PT की जो मेन वेबसाइट है ये वाली, ये कल से नहीं खुल रही थी, ये अभी अभी खुलना शुरू हो गई है, वरना कल से नहीं खुल रही। अभी भी काफ़ी टाइम लगा रही है एज कंपेयर टू दिस। जैसे कि ये ISO एक वेबसाइट, ये खुल गई, ये अभी तक खुल ही रही है, जबकि ये सर्वर पता नहीं कहाँ का, ये फिर पाकिस्तान का सर्वर ही है। ठीक है, तो ये मुमकिन ये है कि ट्रैफिक बहुत है एक ही जगह पे, तो इसलिए वो टाइम लगा रहा है खुलने में, हैक नहीं हो सकता। दूसरा ये, अगर आप गूगल करते हो इस चीज़ को, तो आपके पास जो सबसे पहला ये आता है जो कंफर्म कर रहा है, और ये है 5 घंटे पहले की। ठीक है सर, 5 घंटे पहले का ये बता रहा है कि इन्होंने ये आर्टिकल अपलोड कर दिया है। अब 5 घंटे पहले अगर ट्विटर पे चले हैं तो उनका तो सीन ही कुछ और चल रहा है। और जब इनको ये पता चलता है कि भाई हमारी अफवाह उड़ाई जा रही है कि हैक हो गई, हैक हो गई, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ये अभी अभी आगे खुला है, वीडियो पीछे करके देखो, ये अभी अभी ओपन हुआ, और अभी भी कंप्लीट ओपन नहीं हुआ, इंटरफेस नहीं आया, बस लोडिंग ही चल रही है। तो ये अभी खुद ही कह रहे हैं कि भाई अफवाहों पर यकीन ना कीजिए, हमारा जो मतलब इनका जो सर्वर है वो हम सबके आंखों के सामने सबूत दे रहा हूँ मैं आप लोगों के, कि वो जो सर्वर है वो थोड़ा इशू कर रहा है, वो थोड़ा लेट खुल रहा है या खुले ही नहीं रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई हो सकता है कि ट्रैफिक ज़्यादा इसलिए खुल ही ना रहा हो। या फिर तीसरी ये हो सकता है कि डॉस या DDoS एक अटैक का नाम होता है, वो किसी ने इस वेबसाइट पर मारा हो। लेकिन इसको भी हम हैक का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपकी कि मोबाइल के अंदर एक वाईफाई कनेक्ट है और आप उस वाईफाई का जो डिवाइस है उसका पेज एक्सेस कर लेते हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आपने हैक कर लिया, आपने बस थोड़ी सी चला के दिखाई और फिर आप क्या कर लोगे उससे। तो ये है, इस बात बिल्कुल यकीन ना करें कि ये हैक हुआ है, अपने मुल्क को बिल्कुल बदनाम ना करो। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम यहाँ लेके आए हो भाई, सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसके लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।